पर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली, भगवान के पावन चरणारविंद का रस स्वादन कराने वाली, भगवान के चरणों को इन नयनों में, इन हृदय में, चित्तवृत्ति में संजोने वाली शिव महापुराण की कथा जो एक जीवन का आनंद देने वाली है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपन सभी को। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब पर अपना थोड़ा समय भगवान शंकर की कथा में दे रहे सभी नवयुवक बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पर ब्रह्मांड सुंदर है, संसार सुंदर है, परिवार सुंदर है, शरीर सुंदर है, जो श्रृंगार हम करें वो सुंदर है, हमने जो घर बनाया वो सुंदर है, नाते रिश्ते बनाए, कुटुंब कबीला बनाया, ये सब सुंदर है। और दिखने को तो शक्कर भी सुंदर दिखे, बोलो सही है कि गलत है? जो चीनी जो शक्कर अपन किराने की दुकान से लाते हैं एकदम क्लीन नजर आती है, एकदम साफ नजर आती है, एकदम सफेद नजर आती है, दिखती कि नहीं दिखती? एकदम क्लीन दिख रही है, एकदम साफ दिख रही है, एकदम सुंदर नजर आ रही है। पर उस शक्कर को जो तुम बोरी खरीद कर लाए हो, 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो जो खरीद कर लेकर आए हो, उस शक्कर को एक कढ़ाई में डालकर भट्टी पे चढ़ा दो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी। अब कितनी जोरदार शक्कर खरीद कर लाए थे, एकदम क्लीन दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, साफ दिख रही थी, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, एकदम सफ़ेद दिख रही थी। पर जैसे ही तुमने उसको भट्टी पर चढ़ाया, कढ़ाई में डालकर चाशनी बनाई, तो हलवाई कहता है इसमें मेल आ गया है। बोला आया कि नहीं आया? और कई कई माताएं जो गुलाब जामुन बनाती होंगी, जो नुक्ती बनाती होंगी, बूंदी बनाती होंगी, चाशनी बनाती होंगी, उनको मालूम होगा फिर वो झारे से उस मेल को, उस खार को, उसको निकाल देती है। और इतनी सफेद शक्कर दिखने में भी अच्छी है, नज़र भी अच्छी आ रही है, पर उसमें मेल था कि नहीं था? अरे जम के तो बोलो, ठंड तो मेल निकला। कब निकला? जब उसको भट्टी पर चढ़ाया गया, उसको तपाया गया, जब उसकी चाशनी बनाई, उसको भट्टी पर चढ़ाया, उसको तपाया, तब उसका मेल निकल कर बाहर आया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। मानव का शरीर दिखने का सुंदर है, परिवार, कुटुंब, कबीला, संसार सब सुंदर है। इस सुंदर मानव के शरीर को भगवान के भजन के भट्टे पर जब चढ़ाओगे, भगवान की भक्ति के भट्टे पर जब इसको चढ़ा दोगे आप, जब इसको चढ़ाओगे और भगवान के भक्ति के भट्टे पर जब चढ़ा ये मानव का शरीर, तब इसमें से खार निकलना, मेल निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब निकलना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी माला को जपने से पहले, किसी भी मंत्र का स्मरण करने से पहले, चाहे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, जो माला दी हो, या आपका इष्ट देव कोई भी हो,
आपका इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी की भी माला जप रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, पर सबसे पहला अगर मंत्र जपने से भी पहले अगर मूलता दी जाती है, मंत्र जपने के पहले भी अगर कहा जाता है, तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो, मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तो पहले पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो नमः शिवाय आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण करा, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है, तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। आवाज से करिए, आवाज से नहीं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है महाराज जी कि अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है, तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती है। होगी गलती, एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो तीन ही अक्षर तो बोले हो, पांच तो पूरे करो, बस यही तो गलती है ना। अब तीन पे अटक करे करे, आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना। अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, और उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता, वो सुख का भान मिल जाता। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पूरी रामचरितमानस, और यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस को उठाकर देखेंगे, तो भगवान राम ने पूरी रामायण में गोपनीय बात केवल एक बार कही है, केवल एक बार। मेरे राघव, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को, जिस समय पर भगवान राम जी के अयोध्या वापिस आ गए, अवध में राज्य स्थापित हो गया, विराजमान हो गए, संपूर्ण परिवार के लोग आकर एकाग्रित हो गए, संपूर्ण परिवार के लोग जब आकर इकट्ठे हुए और एकाग्रित होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर खास खास लोग बैठे हुए हैं और सब अपने बैठे हुए हैं एकाग्रित होकर, तब राम जी ने मौका देखकर अपने हृदय की बात को वहां प्रकट किया, अपने हृदय की बात को वहां पर प्रकट कर कहा, एक गुप्त मत और तुम्ही कहो कर जोर। एक गुप्त बात, एक मेरे अपने मन की बात राम जी कर रहे हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं।
और वो गुप्त बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ राम जी महाराज कह रहे हैं, ये मैंने किसी से नहीं कही, पर अपने परिवार वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे गोपनीय रामचरित मानस की सबसे गुप्त बात, गोपनीय बात जो भगवान राम खुद अपने परिवार को कह रहे हैं वो राम अपने मुख से कह रहे हैं। पूरी रामायण में आप छाट कर देखना, ये चौपाई को निकाल कर देखना कि एक गुप्त मत और तुम ही कहो कर जोरी। राम जी जो विशेष निमंत्रण होता है या कोई विशेष बात होती है तो उस पर ही हाथ जोड़े जाते हैं कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक बात आज कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोरी। शिव जी कह रहे हैं ये गुप्त बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोरी। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने शंकर का स्मरण नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद आपने शिव का भजन नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद अगर आप शिव के नहीं हुए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का अनुमोदन नहीं कर पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव के नहीं हो पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का पंचाक्षर मंत्र नहीं जप पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव की भक्ति में नहीं डूब पाए, तो फिर आपका ये जीवन बेकार है। आप सोचे कि मुझे राम मिल जाएगा, आप सोचे मुझे कृष्ण मिल जाएगा, तो ये कठिन है। मधुमक्खी साधारण मक्खी से बड़ी होती है, अरे बोलो सही है कि गलत है? चलो साधारण मक्खी को भी देख लो, एक मक्खी उड़कर सब्जी वाले के तराजू पर बैठ गई, कुछ बिगड़ा, वजन घटा बढ़ा, तराजू पर बैठ गई, वजन कोई घटा बढ़ा नहीं। और तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ और एक मक्खी, समझ गए, 10,000 की कीमत नहीं हुई, बढ़ जाए, बोला सही है कि गलत है? बड़ी कि नहीं बड़ी? मक्खी वही है, सब्जी के तराजू पर जाकर बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी, पर सोने के तराजू पर जाकर बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 की हो गई। उसी तरह संसार का मनुष्य मक्खी की तरह है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, पर शिव की कथा में बैठ गया तो 10,000 के मोल का हो कीमत बढ़ गई। मनुष्य वही है, मानव का शरीर वही है, मानव की देह वही है, कीमत बढ़ गई उसकी। वह मक्खी जगह जगह बैठी पर उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है, रिटर्न नहीं चल रहे हैं, सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है तो उसकी कीमत बढ़ गई, मात्र सोने के तराजू पर बैठते ही कीमत बढ़ गई। पान की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? मदिरा की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? दुनिया का लोग कहेगा ये बेवड़ा है रे, दिन भर वहां खड़ा रहे, बेकार है ये, तो कोई कीमत? जहां लोग बैठ के पत्ता खेलते हो वहां जाकर खड़े भी हो जाओगे तो कोई कीमत बढ़े तुम्हारी? अब टाइम पास करे उन्हें पत्ता खेलता फिर, जहां लोग मांसाहार करते हो वहां तुम्हारी कोई कीमत बढ़ेगी नहीं। पर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उसमें बस कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिख रहे हो, बोल रहे हो, जान रहे हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोबाइल की कीमत तब सही निकलेगी जब तुम उस मोबाइल पर कुछ नहीं तो आधे घंटे की शिव महापुराण ही सुन लोगे, तो कीमत तो बढ़ेगी, तुम्हारी कीमत तो बढ़ी। आज फेसबुक यूट्यूब पर इतने श्रोता इतने प्रेम से, इतने श्रोता भाव से, दिल से, आनंद से अगर कथा का रस स्वादन ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल लगाकर मन लगाकर 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कथा के तत्व को धारण कर रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा। कीमत सत्संग से बढ़ती। किस जगह पर जाकर क्या बोलना है, किस जगह पर जाकर क्या प्रस्तुत करना है, ये समय की गणना और आपकी कीमत बताए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल तेरे पिताजी को नहीं देखा रहे बहुत दिन से, और आज तक तेरे पिताजी यहां पर नहीं आए मेरे राजभवन में, बीरबल कल अपने पिताजी को लेकर आना। बीरबल ने मन में सोचा कहां फंसाया ये अकबर ने, बताओ हम मेरे पिताजी को बुला रहे, सुन लिया बीरबल? बीरबल बोला जी हजूर। अब बीरबल घर गया, पिताजी से कहा पिताजी कल तुमको राजमहल में चलना है अकबर के सामने। पिताजी ने कहा मुझे काय को ले जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहता, वो कुछ पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलेगा तो हंकारा करना पड़ेगा, अगर कुछ भी पूछेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना, अब पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा, कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में कहता हूँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, हाँ बोलना तो पड़ेगा। तो कहाँ मेरे को लेकर जा रहा है अकबर के दरबार में? नहीं नहीं अकबर के पास तो चलना पड़ेगा पिताजी, तो पिताजी बोले मैं जाकर क्या करूंगा,
बीरबल ने कहा बस एक काम करना, कोई भी प्रश्न वो करे उसका जवाब ही मत देना, बस चुप रहना, एक शब्द मत बोलना तुम, एक शब्द बस इतना ही करना है। हाँ, एक शब्द का जवाब नहीं देना है आपको, बस चुपचाप खड़े रहना, वो बोलता रहेगा, तुम चुप खड़े खड़े सुनते रहना, ठीक है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल अपने पिताजी को ले गए और पिताजी से अकबर ने पूछा कैसे हो, अब पिताजी कुछ बोले ही नहीं, छोरा सिखा के लाया था। फिर अकबर ने पूछा भोजन वोजन कर लिया तुमने, रोटी वोटी खा ली, पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे कपड़े तो बहुत जोरदार लग रहे हैं पिताजी, ए बीरबल के पिताजी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कहां कहां घूमिया है, कहीं तीरथ मीरथ करने गए थे, पिताजी कुछ बोले ही नहीं। अकबर को तो आ गया गुस्सा भयंकर, और अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख के सामने खड़े हो, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझ गए क्या? हाँ, इतनी तो समझ जाना चाहिए, मुझसे पूरा इतने समय से सुन रहे थे थोड़ी, तो जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए, कोई अपशब्द कर रहा है, ताने दे रहा, गाली दे रहा, आड़ी तड़ी बातें कर रहा है, कोई हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा है, कोई वेद और पुराण की निंदा कर रहा, कोई गाय बेटी और ब्राह्मण की निंदा कर रहा, लग रहा है कि हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की निंदा कर रहा हो, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा, हमारे भगवान शिव की भक्ति की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह पर या तो जवाब दो ना दो, और उस जगह से फिर मौन हो जाओ। मूर्खों से क्या करना, मौन हो जाओ, चुप। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, मेरे राघव जी कहते हैं सबसे गोपनीय बात मैं अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहि मोरी। शंकर का अगर भजन नहीं है, शिव का स्मरण नहीं है, शंकर का अनुमोदन आप नहीं कर रहे हैं, शंकर की भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं, तो राम जी कहते हैं फिर मुझे नारायण को, कृष्ण को, राम को पाना कठिन है, फिर राम कृष्ण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, राम कृष्ण नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। फिर बहुत सुंदर बात है पूर्णिमा शिव महापुराण में, आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, पूजन कर रहे हैं कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए, माला जप रहे हैं किसी की भी जपें, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो, आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है, पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है, नमः शिवाय। क्यों, अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। वो गलती माफ कर दी जाए। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती है, जब वो सत्संग में लगा हो, कीमत मनुष्य की जब बढ़ती हो, जब वो सत्संग में लगा हो, भजन में लगा हो, कीर्तन में लगा हो, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगा हो। मक्खी तो वही है जो तराजू पर सब्जी के बैठी है, मक्खी वही है जो अन्य जगह पर जाकर बैठी है, पर वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठती है तो उसकी कीमत 10,000 हो जाती है। आप भगवान की भक्ति में जितना समय लगे हुए, जितना स्मरण में लगे हुए, वो आपकी कीमत मानता है। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता है ना, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे। भगवान अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्तों को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है, क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कोई ऐसे ही फल प्रदान कर दे, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू एक दिन पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू एक दिन पाएगा। जैसा किया तूने वैसा मिल जाएगा, जैसा किया तूने वैसा मिल जाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत भूले कर्म कर बंदे, मत भूले कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना दानी, अरे हो अज्ञानी मत करना दानी, अरे हो अज्ञानी मत करना दानी, अरे हो अज्ञानी मत करना दानी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म के अनुसार आप फल पाओगे। भगवान की कथा कर रही है,
कातिका नगरी का राजा चंद्रहास धनेश्वर ब्राह्मण को जो बात कही थी, धनेश्वर ब्राह्मण ने चंडी देवी का स्मरण करा था, कल की कथा। चंडी देवी ने क्या वर दिया था कि बेटा तो होगा, कितने साल जिएगा? 16 साल। फिर 21वें दिन सामने जो आम का पेड़ होगा उसमें फल लगा होगा, उस फल को तू अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, फल पत्नी खाएगी, गर्भ ठहर जाएगा, पर ध्यान रखना कि 16 साल की आयु में वो बालक मरना है। सोलह वर्ष की आयु में मर जाएगा। एक छोटा सा 12 वर्ष का लड़का, बहुत सारे लड़के नदी में तालाब में नहा रहे थे, छोटा सा बच्चा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो बैठा हुआ था, रो रहा था। शाम के समय पर शंकर और पार्वती वहां से निकल कर जा रहे थे। माता जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देख लिया, छोटे से बच्चे। माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब वो छोटे से बच्चे को देखा तो माँ जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देखकर भगवान भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी इसके हाथ नहीं है दोनों, आप इसके हाथ दे दीजिए, आप इसके हाथ दो ना भोलेनाथ जी। शंकर भगवान बोले, मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने जिद कर ली, कुछ भी हो जाए आज हम भ्रमण पर निकले हैं, कुछ भी हो पर हाथ जरूर दीजिए। पर ब्रह्मा जी और आप में क्या अंतर है? ब्रह्मा जी ने तो लेखनी लिखी, पर आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सब संभालते हो, आप सब जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हो, तो आपको हाथ तो देना पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, दे देते। अगर तुम कह रही हो कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाना है तो मिटाने में देरी नहीं करूंगा, लो पार्वती जी मैंने उस बच्चे को हाथ दे दीजिए। अब बच्चे को हाथ दिया तो बच्चा पानी में कूदा, तैरना चालू करा। अब थोड़ी देर बाद शंकर पार्वती चले गए, शिव पार्वती गए तो वापस लौट कर आ रहे, तो क्या देखा कि जितने तालाब में लड़के नहा रहे थे सब दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे, अब वो अकेला पानी में तैर रहा था जिसको हाथ दिए थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ ये क्या करा आपने? ये समझ में नहीं आ रहा भोलेनाथ जी कि आपने जो हाथ दिए इसको तो सब तालाब छोड़कर भाग क्यों रहे, सब भाग भाग कर जा क्यों रहे? शंकर भगवान बोले, मैं नहीं बोलूंगा, तू जाकर उन बच्चों से पूछ कि हुआ क्या। पार्वती जी ने जाकर पूछा कि तुम भाग कर कहां जा रहे हो? कहा वो लड़का है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हमको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है, वो हमको पानी में डुबो रहा है और नीचे डुबो देता हमारे ऊपर बैठ जाता है। 4 लड़के मर चुके हैं, सब भग गए। पार्वती जी शिव जी के पास आई, भोलेनाथ दयालु दातार कृपा सागर करुणा सागर, हे मेरे शिव, बड़ी उदारता है आपकी नाथ, गलती हो गई, आपने हाथ नहीं दिए थे, उसका कारण अब समझ में आया कि इनके हाथों से गलत काम होना था, उस गलत काम को रोकने के लिए आपने उसके हाथ नहीं दिए थे, पर मेरी जिद पर आपने हाथ दिए, इसने फिर गलत काम करना प्रारंभ कर दिया, सदुपयोग नहीं करा उस हाथों का। पहले भी कथा में कहा, आपको आज फिर कहते हैं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। घर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि मेरे घर में शंकर और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में श्वास रूपी शिव
निवास कर रहे हैं, पार्वती जगदम्बा माँ अम्बा निवास कर रही है, शिव और पार्वती मेरे घर में रह रहे हैं, घर में अगर सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, घर में अगर सेवा में लगे हुए, तो ये विश्वास रखकर करना कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शंकर और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शिव और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में शंकर और पार्वती का निवास है। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, घर की बुजुर्ग माताओं से भी कहेंगे, केवल एक व्यक्ति से कहने की कथा नहीं, हम सबसे कर रहे हैं। बहु सेवा इस भाव से करे कि शंकर पार्वती की सेवा कर रही हूँ, झाड़ू भी मेरे शिव पार्वती के लिए लगा रही हूँ, पानी भी मैं शंकर पार्वती के लिए भर रही हूँ, भोजन भी मैं शिव और पार्वती के लिए कर रही हूँ। घर में बुजुर्ग माताएं भी अगर कुछ काम कर रही हैं, तो ये विचार कर कर करो कि हमें शंकर और पार्वती के लिए कर रहे हैं। जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना करो। दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आए ना, तो उसको देखकर पहचान जाना, ये तुम्हारे गांव का नगर सेठ था, पुराने समय में बहुत बड़ा सेठ था, धन दिया था, सत्कर्म नहीं कर पाया, हाथ दिए थे सेवा नहीं कर पाए, चरण दिए थे तीर्थ नहीं जा पाए, श्रवण शक्ति दी थी कान दिए थे पर कथा नहीं सुन पाए, नेत्र दिए थे दर्शन नहीं कर पाए। विश्वास कभी कभी विचार करिएगा। कितना मांग कर, कितना भगवान से प्रार्थना कर कर, कितना कितना निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से बोल कर इस शरीर को लेकर आए थे, पर ये शरीर किसी काम कर नहीं दिया, केवल भोग करना है, भोग केवल। पर जिसने भूत भावन भूतेश्वर शंकर पर विश्वास किया, भगवान ने उन पर करुणा भी बहुत करी है। ये आप ही के पत्र हैं, आप लोगों ने भेजे। देखिए मोनिका जी पाटिल इंदौर से हैं, कहाँ बैठी है? आप ही ने पत्र भेजा है, खड़े हो जाइए, जरा माइक दीजिएगा इनको। बेटा कहाँ से आए हो आप? इंदौर से आई हूँ। इंदौर से, क्या नाम है आपका? मोनिका पटेल। हम पाटिल पढ़ लियो, गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो मोनिका जी पटेल इंदौर से हैं, आपने कुछ अच्छी बातें इसमें बहुत अच्छी लिखी है, क्या हुआ है, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? इसमें आपने लिखा है, गुरुजी मेरी भाभी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, सभी जगह का इलाज करवा लिया था, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, फिर मैंने उनको पशुपतिनाथ का उपास का करने का बताया, और आपका जो उपाय है ना वो सफेद आंकड़े वाला वो बताया, और उनको उसी महीने गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा हो। अभी कितने महीने? अभी उनको 5वां महीना चल रहा है। अभी 5वां चल रहा है। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है वो। स्वस्थ हैं, बाबा की कृपा। बैठिए विराजी। देखिए विनीता जी अग्रवाल कोई देपालपुर से आई हैं, गौतमपुरा जिला इंदौर, कहाँ बैठी हैं आप? ही हैं, माइक दीजिए जरा। आपने जो पत्र लिखा है विनीता जी, हाँ? आप ही का नाम विनीता अग्रवाल? हाँ, विनीता अग्रवाल। माइक पास में लीजिएगा। देपालपुर गौतमपुरा जिला इंदौर से आप आए हैं। इस पत्र में आपके जो शब्द लिखे हैं बड़ी प्रसन्नता के लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रसन्नता का अभाव है। हमारा पूरा परिवार रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, बहुत बहुत सुंदर बात। आए थे रुद्राक्ष, आए थे। बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है, इसलिए फिर से बाबा को धोख लगाने के लिए आए। ये आपने पत्र में लिखा है, क्या कामना थी आपकी बाबा ने जो दे दी आपको? मेरे छोटे बेटे को IMS कॉलेज चाहिए था इंदौर का जी, तो उससे मैंने एक पशुपतिनाथ व्रत करवाया था, उसकी सेहत खिला के वो पेपर देने गया था, और उसको कॉलेज मिल गया इस बार। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपने लिखा है कि पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। हमको नहीं, हमारे आसपास कोरोना था सबको। जी जी, अब ठीक है, सब लोग बाबा की कृपा है, सब ठीक है, सब ठीक है, बस बाबा की कृपा। बैठिए विराजी। ऐसे बहुत सारे पत्र हैं,
जिनका वर्णन अपन बीच बीच में कर, हमने जो सत्कर्म करा है, इन नयनों से हमने जो दर्शन करा है, इस मुख से जो हमने पंचाक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र जो भी हमने जपा है, नमः शिवाय बोला, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, इन शरीर के द्वारा हमने जो पुण्य कर्म करा है, सत्कर्म करा है, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका फल कहीं ना कहीं मिलता जरूर। चंडी देवी की आराधना धनेश्वर ने करी थी और धनेश्वर को कह दिया था 21वें दिन सामने जो पेड़ लगाए, सामने जो वृक्ष लगा है आम का, उस आम के वृक्ष में एक फल लगेगा, उस फल को तोड़ लेना, ये कल की कथा में कहा था, उसको तोड़कर तेरी पत्नी को खिला देना। धनेश्वर उस फल को लेने के लिए गया था, बार बार चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, पर वो फल उस धनेश्वर ब्राह्मण के हाथ में नहीं आया। पर हारी है ना हिम्मत, बिसारी है ना राम, आप अपना अगर कर्म कर रहे हो तो चिंता मत करना, कर्म करने में लगे रहना, पीछा मत छोड़ना। अगर आप कर्म कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलिएगा कि आपका कार्य, आपका विश्वास मानकर चलिएगा कि आपका कार्य होगा ही, कर्म कर रहे हो तो फल जरूर मिलेगा, कर्म करा है तो फल की प्राप्ति तो होगी। कल भी कथा में कहा था, केवल फालतू बैठना नहीं है, और फालतू बैठकर केवल दिन भर व्हाट्सअप नहीं चलाना, दिन भर फालतू बैठकर फेसबुक नहीं देखता फिरना, ये तो फिर वही वाली बात आ गई, जिसका 1.5 GB डाटा भी कम पड़ जाए तो समझ लेना पक्का बेरोजगार है, पक्का बेरोजगार। दिन भर बैठे बैठे हाँ डाटा खत्म करना हो तो सत्संग में करो ना, 3 घंटे की कथा आती है, सारा डाटा बचा के रखूंगा कथा में, श्रवण करूंगा 11 बजे से 2 बजे तक कथा आएगी, तो ऑनलाइन मुझे कथा देखना है, घर पर नहीं देख सकता तो क्या हुआ, दुकान में देख लूंगा, सर्विस में देख लूंगा, नौकरी में लेकर देख लूंगा, कहीं ना कहीं उस डाटा का प्रयोग करूंगा। जैसे सारा डाटा बचाकर तुमने भगवान शंकर की कथा में लगा दिया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो भगवान भी तो सारी दुनिया का डाटा बचाकर तेरी किस्मत में देगा, जब तू बचाकर उनको दे रहा है तो वो भी तो बचाकर तुझे कुछ देगा कि नहीं देगा, जो हमने दिया है वो हमको मिलना है पक्का। तुम भगवान को समय दिए हो तो भगवान तुम्हें समय देगा कि नहीं देगा, और नहीं तो दुनिया के लोग तो समय का स्मरण करें, ये लोग तो बात बात में कही देते हैं, आन दे मेरा समय तब बताऊंगा मैं हूं क्या, आन दे मेरा समय, वो जो अकड़ अकड़ के बोला मेरा समय आएगा ना तब बताऊंगा, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, नहीं के उठा के ले गए हॉस्पिटल, ने डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं, कि समय इसको कहा गया कि यह समय आ गया है, अभी कोई समय, अब समय आ गया, जा रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अगर धनेश्वर को वो फल नहीं मिल रहा जो फल माता रानी ने बताया, जो चंडी देवी ने बताया, अगर वो फल धनेश्वर को नहीं मिल रहा है तो इसमें धनेश्वर के कुछ कर्म का भाग होगा, कुछ कर्म का भाग होगा। आप मेहनत करना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हो, अगर फल नहीं मिल रहा एक और, आप अगर बैठे मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, कोई कार्य के लिए बार बार जा रहे हो, नहीं हो रहा, हारना नहीं है, हो सकता है हमारा कहीं का थोड़ा सा बुरा कर्म होगा जिसके कारण बस हम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, पर विश्वास तो है ना भोलेनाथ जी पर, विश्वास तो है ना कुबेर भंडारी पर, विश्वास तो है ना मेरे शंभू पर, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ पर। अगर भरोसा दृढ़ी है, जब भरोसा दृढ़ी हो जाए, विश्वास पूरा पक्का हो जाए, तो भगवान भी सोचता है कि अब कुछ भी हो इसको फल देना जरूरी है। चंडी देवी ने कह दिया फल तो मिल जाएगा, लगा हुआ भी मिल जाएगा, बस उसको ले जाकर तेरी पत्नी को खिला देना। अब वो फल लेकर चंडी देवी के बताए अनुसार चला भी गया, फल लगा हुआ मिल भी गया, पर बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे टपक रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा, चढ़ ही नहीं पा रहा, फल तोड़ ही नहीं पा रहा, सामने लगा, किसी किसी के साथ होता है, भोजन की थाली लगी लगाई रहती है, बस ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, अब की बार मैंने पूरी तैयारी कर ली, इंटरव्यू में पास हो ही जाऊंगा, अब की बार मेरा नंबर लगेगा ही, पक्का है, एकदम भोजन की थाली लगी लगाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, भजिया, पकौड़ा, दही बड़ा, इमरती, और अब की बार तो रसगुल्ला भी धरा था, पूरी थाली तैयार थी, सामने आ भी गई, इतनी देर में काका जी आ गया, पूरी थाली उठा के उके देना पड़ा।
मन में आया मात्र एक नंबर से रह गया, ये काका टपकी गया, एक नंबर से कही के हमारा छोरा एक नंबर से रह गया, बेटी दो नंबर से रह गई, कोई एक नंबर से रह गया। कारण क्या है? थाली तो तैयार थी, रसगुल्ला भी आ गया था, गुलाब जामुन भी आ गया, इमरती भजिया पकौड़ा सब तैयार है, बट जोरदार लगी, एकदम जोरदार तैयार, बस जीवने बैठा ही था कि अब तो सुतुआ अब तो खाऊंगा। और इतनी देर में काका जी आए ने पूरी थाली, कभी कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कहीं बैठे होगे भोजन करने, इतना इतना रिश्तेदार आ गया ना, मामा जी ने पापा जी ने काका जी लो साहब तुम तो आदमी बैठ जाना, ये डॉक्टर बैठ जाना, 70 साल का बेचारा उठो, बुजुर्ग आदमी के पहले बैठा, अपनी थाली अपन को उनको देना पड़ी, होता है कभी कभी, कर्म कर रहे हो। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने अपनी थाली उसको दे दी, उसने ले भी ली, तो क्या तुम्हारे पास दूसरी थाली नहीं आएगी? बोलते जाओ जम के, क्या गुलाब जामुन नहीं आएगी, इमरती भजिया पकौड़ा नहीं आएगा, बस इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला नहीं आएगा। बोलो सही है कि गलत है? इतना जरूर हो सकता है कि रसगुल्ला दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि रसगुल्ला केवल एक ही थाली में रखना था और वो रसगुल्ला उसके पास पहुंच गया, अब रसगुल्ला नहीं आया तो क्या गुलाब जामुन से काम नहीं चलेगा? बोलता जा जरा, इमरती से काम नहीं चलेगा, नुक्ति से काम नहीं चलेगा ना, पर रसगुल्ले का रोना मत रोना, मेहनत तो खूब करी थी गुरुदेव, बिल्कुल और बिल्कुल, अब तो यह काम होना था। एक बार अगर थाली चली भी गई तो कुबेर भंडारी पर से विश्वास मत हटाना, एक बार पशुपति व्रत से काम नहीं बना विश्वास मत टिकाना, थाली आएगी भला रसगुल्ला नहीं आए और गुलाब जामुन इमरती चले भी, तेरे सामने थाली तो वो लाकर रखेगा, उसका नाम ही कुबेर भंडारी है जो भंडार भरता रहे, कोई साधारण हो सकता है? उसका नाम विश्वनाथ महान काल राजा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो भय मत लेना, शंकर के उपासक हो तो डरना मती, थाली जाए जाने दो, आएगा लगेगी आएगी। ट्रेन छोड़ गई ना, इंदौर की, मुंबई की, पुणे की, छोड़ गई ना, अब कहीं करोगे रोगा? अरे बोलो तो सरी, कुछ मत करो, सीधे टिकट के काउंटर पे जाकर कहना साहब ट्रेन छूट गई है, ये टिकट बदलो क्या? बदलाएगा बदलाएगा नहीं, तुम्हारी गलती, तुम लेट क्यों आए? ठीक है साहब, अगला टिकट दे दो ट्रेन का, 300 ही गया ना, 500 ही गया ना, एक बार का प्रयास करा तो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, दूसरा टिकट दो, 4 घंटा लेट आएगी, शाम तक मिलेगी, चल जाएगी, आएगी तो हाँ इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, पता नहीं है उस पर भी आ सकती है, तुम तैयारी रख कर रखो, कभी इस पे आ गई तो इससे बैठ जाना, उस पे आ गई तो उससे बैठ जाना, बैग हाथ में रखना, वो भी चतुर था, उसने कहा अब की बार अटैची लेके नहीं जाऊंगा, बैग पीछे टांग के जाऊंगा, इसलिए जितने छोरा हूं दिखेंगे, जितनी छोरियां दिखेंगी, जो इंटरव्यू देने जाए, परीक्षा देने जाए, ये 2-4 बैग लेके नहीं, यही टांग के जाए, अब की बार भाग के नहीं पकड़ लूं तुम्हारा नाम ठीक, अब की बार भगवान नहीं पकड़ लूंगा, एक ही छुट्टी ना छोड़ जान दो, एक बार हिम्मत हार देना, एक बार ट्रेन चली गई ना कोई बात नहीं, अगली चुकने दोगे नहीं, इतनी मेहनत करना, इतना अनुमोदन करना, शंकर का इतना भजन करना कि अब की बार जैसे ही ट्रेन में बैठो ने बस इंटरव्यू देने जाओ ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और भोलेनाथ गलती हो जाए तो उसको बचाने के लिए नमः शिवाय पंचाक्षर बोलकर निकल जाए, उसके बाद में शंकर जी निपटे, सीट भी वही दिलाएगा, न टिकट नहीं होगा, न टीसी के दूसरे डब्बे में फंसाएगा, तेरे डब्बे में टीसी नहीं आएगा, तू बैठ के ये कांग्या पत्र, एक पत्र है सुनो, चलो चंद्रशेखर जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से आए, कहाँ पर हैं जरा खड़े हो जाइए, धन्यवाद। आपने लिखा है महाराज जी 17 तारीख को मैंने अपनी टिकट कराई थी, लेकिन 49 नंबर की वेटिंग थी, मैंने क्या हुआ जरा आगे कब बताएंगे, माइक वगैरह देखो, बहुत सुंदर बात कही, टिकट की बात आई तो टिकट का पत्र याद आ गया, ऐसे याद आ जाए टिकट का पत्र दे जरा, महाराज 17 तारीख को टिकट कराई थी तो मेरा 49वां बेटिंग था, मैंने कहा कैसे भी करें मैं मरूं या करूं, कैसे भी करूं मैं गाड़ी में लौटते पीटते चला जाऊंगा, बेटिंग नहीं मिली तो मतलब कोई बात नहीं है, मैं जैसे भी चलाऊंगा भारत। शाम को 7 बजे कंफर्म हो गई टिकट और मैं गाड़ी में बैठ करके भगवान के दरबार में आ गया। विश्वास पक्का था ना चंद्रशेखर शर्मा जी, इसलिए भोलेनाथ जी ने सब क्लियर कर दिया, बैठिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अगर विश्वास है भगवान ऐसी कृपा करे, भले लेट कन्फर्म करा पर तुम सबके भी टिकट कन्फर्म कर दे, बस इतनी शंकर से प्रार्थना है कि एक बार जो विश्वास लेकर आए हो, जिस विश्वास से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मेरे नवयुवक बच्चे अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, महाराज सारा जितने भी जगत के चैनल हैं सारे चिंता में पड़े हुए हैं कि यूट्यूब पर 40-40, 45-45, 50-50 हजार लोग लाइव कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर आने के बाद भी, ये नवयुवक टीम तो लगे भगवान से प्रार्थना है, अगर बाबा ने कृपा कर दी तो तुम्हारा कंफर्म पक्का है, जो हमारे शर्मा जी का पक्का हो सकता है,
भरतपुर वाले जो आए हैं, तो बाबा क्यों ना करेगा। उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं डिगेगा ना तो ये पक्का है दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ शंकर जी का भजन करना, कहाँ शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, बस ईश्वर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया काली मिर्ची चढ़ाई, विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा। फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टान, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टान टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई, शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख टूट गई, अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए मेरे भोलेनाथ जी की आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं। अब मेरे को मेरे किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी माँ ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है, यहाँ की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। यहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापिस प्रदान कर दी, वापिस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापस दे देता है, इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापस देना है, नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे, हम नहीं कथा कराएंगे, हम नहीं कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे, भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो, नहीं का छोरा गया ने लगाया यार, लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। अब लोग के साथ हम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कहीं करूं छोरा ने सर सब। आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं, संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा, बस यही कृपा। इतनी दया जरूर करते, आप अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या, मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूंगा ना, मैं मेरे लिए ये करूंगा ना, मैं उसके लिए ये करूंगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूंगा ना, हमारा जीजा के लिए करूंगा ना, भाई के लिए ये करूंगा, एक क्या मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिवपुराण की कथा करूंगा, एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक यूज पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पर बैठा है, मेरे चक्कर, शिव का अनुमोदन करो, भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है, शंकर का अवतार, श्वास श्वास में शिव रटो, प्रथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए, घर में पत्नी है पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, श्वास निकल गया वो शव बन गया, शिव निकलने के बाद शव बनता है, शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया। अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, संसार वालों के चक्कर में, परिवार और संसार के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। 10 दिन 12 दिन आंख में से आंसू झड़ाएंगे और बाद में 13वें के दिन नुक्ति झड़ेंगे, कोई नहीं याद करेगा 13वां में, 12वां के दिन जैसे ही मरे 10 दिन 11 दिन तो लोग याद करेंगे और 12वें के दिन कहेंगे गरम पुड़ी ला रे, गरम ला, अब बेचारा वो मरी किया ठंडी खा ले, गरम गरम ला साल, बताओ इतना रिश्तेदार जरा गरम लिया, अपना वाला के तो गरम, अपना वाला के तो गरम गरम खिलाओ, नहीं तो पंडित जी के हमने 13 के तो गरम ही खिलाए उनके, और देख जरा खोपड़ा पाक बनाओ तो दो पीस, अच्छा अब कोई नहीं याद कर रहा कि भैरू सिंह निपटी गया, कौन याद,
नहीं याद कौन करेगा, मैं रुचि निपटी गया, मैं तो टेबल पे फोटो धरा और माला पड़ी और इनके गुलाब जामुन और पत्तल जितनी फोटो के सामने धरी ऊपर तो सब मक्खी पड़ी। बाकी के तुम झड़ रहे नुकती ने गुलाब जामुन ने पूरी ने बढ़िया जोरदार जोरदार सब सामान, और जितने मेहमान जा रहे थे तो उनको भी पन्नी में बांध बांध के डब्बा आधा किलो का मिठाई का उमें खोपरा पाक ने नुकती ने से और दे दी कि ये तो निपट गए तुम निपटाओ। अब बोलो इसके बाद भी तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा दिन के सिवा कोई याद नहीं करेगा, तेरहवें दिन तो झरे नुकती झरे खूब का गरम लाओ गरम ला इनक बते दो तरी सब खा। अभी भी मौका है कहीं नहीं बिगड़ा, ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा मत बिगड़ने दो, कहीं नहीं बिगड़ा अभी भी अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पे। काया कितनी भी सुंदर होगी एक दिन बुढ़ापा आएगा तो झुर्री तो पड़ेगी। जब सियोर वाला महाराज का ही उड़ी किया तो तुम्हारा कहीं बचने वाला, बोले कहीं मैं दादी की बात दूसरे की क्या बोले, अपन तो अपनी बोलो नहीं उदाहरण भी दे तो अपना दे, अपना दूसरे का कहीं काग दो कहीं करो उदाहरण दूसरे का देगा। काया कितनी भी सुंदर हो एक दिन बुढ़ापा आते आते यूं लटकी जाए, चाहे बादाम खा लो चाहे काजू खा लो चाहे कितने फेरन लबली लगा लो सब जुड़ रहा है। और कितना भी ताकतवर हो, अरे साहब वो बिल्डर बॉडी वो के मेरी बॉडी ऐसी और मैंने कईयों को पछाड़ दिया, मेरी दम क्या देखी तूने, अभी तुमने देखा क्या, अच्छा अच्छा दमदार उनके भी देखा ना बेचारा खाक में पड़ा, उनके भी चार लोग टोक के ले जा रहे हैं राम नाम सत्य कह रहा है, तो क्या कौन मर गया, क्या पहलवान साहब मर गए, तो क्या इतना पहलवान था तो काय को मारा दूसरे के मार देता, नहीं साहब पहलवान साहब नहीं पटता है, कहाँ का पहलवान था, 50 कुश्ती लड़ी स्टेज पे आता था नहीं तो ऐसा तेल में लगा नहीं ऐसे बॉडी सॉडी दिखा है, कई पहलवान था तो क्या कहाँ गया, तो इतना पहलवान के फिर लेके कौन जा रहा है, मोहल्ला का चार पांच था राम नाम सत्य के, अब इतना बड़ा पहलवान खुद चले जाता शमशान तक, बोलो कुछ गया, अच्छे से अच्छे दमदार की भी दमदारी निकल जाती है, कितनी भी सुंदर काया हो माटी मिल जाती है, पर मरने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आपकी अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा परमानेंट रह जाती, वो कभी नहीं मरती, आपका अच्छा कर्म आपका भजन आपका कीर्तन आपका स्मरण आपका मंत्र जाप आपका नाम जाप, आप जो शंकर का भजन कर रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप रहे हो, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, ये कोई नहीं ले जा सकता, ये तो तुम्हारा रहेगा, भले तुम चले भी गए ना तो लोग कह देंगे साहब बहुत भजन करती थी रे, मोहल्ला की चार पांच माताओं को बिठा के ढोलक पीट पीट के खूब भजन गाती थी, इतना जोरदार भजन गाती थी, और कहीं की झगड़ा कर करके मर जाए नहीं तो लोग क्या अच्छा है, पूरा मोहल्ला के नीचे दादा भगवान से प्रार्थना है, अब के तो भेज दी थी हमारा कॉलोनी में स्कीम नंबर 71 में 72 में 74 में, अब की बात इसको भेज दी तो 76 में है, पर हमारे यहां मत भेजना भगवान, कहीं की 71 वाली बेटी हो तो बुरा मत मान जा रही करे। कल की कथा कहें, कल जो लोग यहाँ रुके होंगे उनको मालूम होगा शाम को 5-6 बजे बड़वानी का लोगों ने आए थे कथा लेने के लिए अध्यक्ष वगैरह, तो वो कथा सुना रहे थे कि हमारा क्षेत्र का लोग जब कथा सुनने बैठे गुरुजी और वो माइक की आवाज़ जब तक तेज रहनी तो हमारी अम्मा उन सब पलंग पे रहे, और जैसे ही माइक की आवाज़ थोड़ी भी कम हो तो अम्मा चक्के तुरंत टीवी के पास बैठ हमारा छोरा और उनकी वीडियो बनाए। कथा का रसत्व ग्रहण करना आनंद फल मिलेगा जरूर, इंतजार करना भगवान पर विश्वास रखना। धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली, गुरुदेव माता जी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूँ, मैं चढ़ता हूँ गिर जाता हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं मिल रहा, जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए भोजन ना मिल पाए कोई काम ना हो पाए तब सदगुरु के पास जाना, गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना
चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वह वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे हमको ये फल दे दीजिए। माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर प्रणाम कर उस वृक्ष को दंडवत करना और दंडवत कर चढ़ जाना, तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है, हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। गया धनेश्वर ने जाकर प्रणाम किया, दंडवत करा, देखिएगा सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है, सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है, तो कहा मतलब की बोली। कौन सी बोली है, सारी दुनिया में जितनी बोली बोली जाती है उसमें सबसे मीठी बोली होती है मतलब की। इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से, ए जी जैसे ही प्रेम से बोले तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। प्रेम क्यों, मीठी बोली सबसे, अगर सबसे मीठी बोली पूरे विश्व में संसार में अगर कोई चीज की है तो वो केवल मतलब की बोली। अगर व्यक्ति का मतलब है तो वो आपसे इतना प्रेम से बोलेगा, जैसे वो फोन लगाओ तो नहीं बोले 500 का रिचार्ज कराओ, नहीं ये कराओ, नहीं वो कराओ, और जब तुम्हारा बैलेंस नहीं आए और तुम डबल से फोन लगाओ तो इसी अल्लाह के बोले, चिल्ला के बोले। जब किसी से किसी को धन लेना हो, भैया जी, काका जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, और जब तुम अब उसके यहाँ लेने जाओ तब कहीं खाके भग रिया है, दे देंगे हम, कोई खाके भग रहे हैं क्या, देंगे। प्रेम अर्थात मीठी वाणी मतलब की हो, मीठी बोली मतलब की। फल नहीं मिला कैसे, दंडवत करा, प्रणाम करा। भगवान को प्रणाम करना तो मतलब के लिए मत करना, भगवान को प्रणाम करना तो वो कर रहा है तो ठीक है, दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो ठीक है, अपन अपना कर्म करना मत छोड़ना, कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा। एक पहले कथा सुनाई थी याद होगी, एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कोई एक नियम ले ले, उसने नियम लिया कि मेरे पास में कुमार रहता उसका मुंह देखूंगा तभी भोजन करूंगा, पहले कथा सुनाई थी। वो कुमार का मुंह देखने लगा, सिर छत पे जाता कुमार का मुंह देखता रोटी खा लेता, एक दिन कुमार गायब हो गया। उसके घर जाके पूछा क्यों, कुमार कहाँ गया, क्या वो तो मिट्टी लेने गया, अब रोटी कैसे खाऊंगा, किधर गया, उधर गया, वो उधर पहुंच गया। नियम तो नियम होता, मतलब का नियम नहीं होना चाहिए, मतलब से परे नियम होना चाहिए। गया कुमार मिट्टी को खोद रहा था, उसको सोने का अंडा मिल गया, ये दौड़ कर गया, इसने कुमार का मुख देखा, देख कैसे बोला, देख लिया देख लिया देख लिया, और भाग गया। और कुमार ने सोचा इन्हें सोने का अंडा देख लिया, और कुमार अंडे को छुपा कर वापिस उसके पास गया, अरे इधर तो आ, इधर जल्दी पकड़ो पकड़ो उसको, इधर देख लिया, अरे क्या देख लिया, देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा आधा कर लेते हैं, चल। उसको ले गया, मिट्टी में से हंडे को निकाला, आधा धन उसको दिया, कुमार ने आधा रखा। उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए, नियम कोई भी हो उसका फल मिलता जरूर है, ये सोने का फल, ये फल। अब नियम तो बनाओ कि मुझे 7 दिन महापुराण की कथा सुनना है, एक आसन से सुनूंगी, मन लगाकर श्रवण करूंगी। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा, भले टीवी के सामने बैठकर सुन लो और एक मन लगाकर सुन लो, एक चित्त लगाकर सुन लो, बाबा देता है। आज यहाँ पर ये इतने पत्र आए हैं तो ये कोई यहां बैठकर किसी ने कथा कम सुनी होगी, पर सुनी होगी तो सामने टीवी पर सुनी होगी। मन लगाकर कथा सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर चित्त लगाकर अगर श्रवण कर रहे हो तुम, दिल लगाओ तो सही, हृदय लगाओ तो सही, मन लगाओ तो सही। पहले ऐसा नियम था कि अगर बेटी याद करती थी तो मम्मी की हिचकी आ जाती थी, बोलो सही है कि गलत है, और माँ याद करे तो बेटी की हिचकी आ जाती थी कि हमारी छोरी याद कर रही है। बस उसी तरह तुम मन लगाकर कथा तो सुनो, शिव को याद तो करो, उसके भी एक आध बार डुचकी आ गई ना हिचकी तो बस अपना काम हो गया। और अपन याद करें तो हिचकी उससे आना चाहिए, तुम तुम्हारी हिचकी की दिक्कत मत पाल लेना हो कि शंकर जी याद करो और हिचकी मुझे आ, शंकर जी याद करो और हिचकी तुझे आई तो गई, एक ही हिचकी में निपटी पड़ेगी।
अपन तो ये कहो कि उसको हिचकी आए, मैं जब याद करूं, जब दंडवत करा, प्रणाम करा, नंदवन करा, निवेदन करा, तब भगवान शिव वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आम के वृक्ष ने कृपा करी और तब धनेश्वर ब्राह्मण ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर केवल एक फल लगा हुआ, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है, वही फल धनेश्वर ने ले लिया। फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। जिस दरवाजे से कुछ चीज मिली हो उस दरवाजे को कभी मत भूलना। प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। जिस दरवाजे से हमको मिला है, जिस द्वार से हमको प्राप्त हुआ है, उसको कभी ना भूले। देवीदास उसका नाम रख दिया, क्योंकि देवी से ही प्राप्त हुआ था, देवी का ही वो दास है। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है, 16 वर्ष में मर जाए, 16वें वर्ष में यह समाप्त हो जाए। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि यह 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाए। अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, माँ, हे माँ, अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कलकत्ता में कहा था कि, चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है, पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया, पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले जाए। और उसी समय धनेश्वर संत के चरणों में जाए, तो संत को ढूंढो। बहता पानी रमता जोगी एक जगह पर अगर टिका हुआ है तो वो श्रेष्ठता नहीं है, वो चलता फिरता रहे ना तो जीवन का आनंद है। पानी भी चलता रहे, चलता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती है, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू आ गए, बोलो सही है कि गलत है? संत भी चलता फिरता रहे ना, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, भजन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, कथा सत्संग चल रहा है, नाम जाप चल रहा है, तो ठीक है। एक जगह पर अगर संत टिक गया तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता वहां नहीं हो सकती। अब कोरोना महामारी के चलते कथा भुवनेश्वर धाम में लगातार चल रही थी, ये कथा होने के बाद एक कथा और इसके पीछे होगी, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, दीपावली के बाद में 5 दिन की कथा और यहाँ होना है, उसके बाद में फिर भोलेनाथ जी की कृपा, जिन जिन के यहाँ की कथा है बाहर वहाँ पर बाबा लेकर जाएगा और कथाएँ चालू होंगी, फिर बाबा की जब कृपा होगी 6 महीना 8 महीना साल भर जब कृपा करेगा तब यहाँ कथा का क्रम हो जाया करेगा। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्यशाली हो जितने मनोरथी यजमानों ने इस कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाई और अपने जीवन का सुख पाया। कोरोना महामारी के कारणवश निकलना नहीं हो रहा था, पर अब यजमान परिवार मानते नहीं, आना ही है गुरुजी, तो
क्रम कथाओं का जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाएंगे, सूचना आपको मिलती रहेगी। चैनल के माध्यम से तो आप सुन सकेंगे, जहाँ भी कथा होगी वो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपके कहीं पास में हो तो आ जाना, मना नहीं है, पर अब यहाँ तो व्यवस्था हो जाती है कि आप लोग आते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, रहने के लिए ये कथा हॉल है ही, थोड़ी व्यवस्था जहाँ अभी तो बाबा का बन रहा है कुबेरेश्वर धाम, यहाँ कोई इतनी व्यवस्था तो है नहीं, फिर भी आप स्नेहवश एडजस्ट कर कर अपने को ढाल कर यहाँ रहकर जैसा प्रसाद मिलता है, रोटी दाल चावल सब्जी प्रेम से पाकर, चाय नाश्ता लेकर आप आनंद पाते हो, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, सुख नहीं। बाहर आओगे जजमान जैसी व्यवस्था रख सके, जितने की रख सके वो उसके ऊपर है, किसी पर दबाव तो रहता नहीं है हमारा कि आप इतना ही खर्च करना पड़ेगा या इतना ही करना पड़ेगा या भगत आएंगे तो उनको खाना ही खिलाना पड़ेगा, किसी की नहीं है इतना, तो हम कैसे कहते हैं उसको। निर्मल भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कथाएं तो लगातार लाइन से बहुत हैं 2024 तक, बाबा की कृपा है, बाबा करा रहा है, और जिन जिन मनोरथियों की यहाँ यहाँ होगा वहाँ उनके समय पर यहाँ रहकर कथा करना होगा। भाव भक्ति आनंद कुबेरेश्वर धाम में कहीं शिव की कृपा हुई है इसलिए आप लोग सब आनंद ले रहे हो कुबेरेश्वर धाम की धरा से लाइव इस कथा का स्मरण कर कर। आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के द्वारा खबर आई है कि बीच में जो दीपावली के 5 दिन है उसका भी लक्ष्मी पूजन धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझा लें। हमारा तो एक निवेदन रहेगा केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए, दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं माँ, बहुत व्यस्त। माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश सरस्वती का पूजन देखा होगा पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम मिले तो बात करें ना, तो समय नहीं रहता, सब के यहां जाना। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है, आपका भजन आपके साथ, आप हृदय से चित्त से मन से आप भगवान को रिझाओ, बस कैसे भी रिझाओ। माता रानी ने धनेश्वर को बोल दिया था कि 16वें साल में तेरा पुत्र मर जाएगा, अब माता रानी से पूछा कि बचेगा कैसे, तो कहा जिस संत ने मार्ग बताया, जिस संत ने मेरा भजन कराया उसी के पास चले, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर, जब तू उससे निवेदन करेगा तो मिलेगा, दुख कौन काटेगा, तो कहा भगवान के सिवा कोई दुख नहीं काट सकता। अरे भाई कहीं जाकर मत देखो, एक कथा देखी है, विभीषण राम जी के पास खड़ा, कौन खड़े विभीषण, राम जी से विभीषण की बात चल रही है, राम जी रावण को मारने के लिए तैयार खड़े, रावण को कई बार मार दिया पर वो मरे ही नहीं, दादा बड़ा प्रयास करा, कितना प्रयास करा पर रावण मरा ही नहीं, बहुत प्रयास किया गया मर ही नहीं रहा, तो विभीषण और राम जी की बात चल रही थी और रावण को लगा ये मेरा भाई राम जी को भेद बता रहा है, मेरा भेद मेरा भाई राम जी को बता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच यही रहती है, दो अगर आपस में बात कर रहे हैं और आपकी ओर देखकर थोड़े से हंस दिए और बात कर लिया तो आपको लगेगा ये मेरी बुराई कर रहा है, शिव पुराण की कथा कहती है अगर वो बुराई कर भी लेंगे तो भला तो आपका ही होना है, पाप तो आप ही का कटेगा, कर ले तो ये मेरा भेद बताने वाला है, विभीषण राम जी से बात कर रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं, रावण ने सोचा ये मेरा भेद बताने वाला है, तो रावण को लगा कि ये मेरा भेद बता देगा, पर विभीषण ने भी संकल्प लिया था मरते मर जाऊंगा पर मेरे भाई के नाभि में जो अमृत है उसका भेद कभी राम को नहीं बताऊंगा, कौन ने संकल्प लिया था, विभीषण, किसको दिया था यह संकल्प, विभीषण ने अपने नाना को यह संकल्प दिया था कि मैं इस लंका का भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा, इस लंकेश का भेद नहीं बताऊंगा, उसने संकल्प लिया था। राम जी और विभीषण बात कर रहे थे, रावण को लगा ये मेरा भेद बता रहा है, भेद बता रहा है, इतने में तो राम विभीषण का मुख राम जी की ओर था और राम जी बात में लगे हुए थे, रावण ने सोचा अगर कहीं ये मेरा भेद बता देगा तो मुझे मरवा देगा, रावण ने बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए, वो बाण गया विभीषण के पास, राम जी ने एक चुटकी बजा दी, बाण
छूट गया, टूट गया, बिजली चमकी, समाप्त हो गया। दुखाया था, आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी के लिए अपशब्द नहीं कहोगे, आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे, तो भी आपके ऊपर तकलीफ आएगी। इसको प्रणव दोष कहते हैं। कौन सा दोष है ये? प्रणव दोष। इसलिए भगवान कृष्ण की स्तुति में गाते हैं, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। इसको प्रणत दोष कहते हैं, प्रणत क्लेश कहते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं करा, आप कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, फिर भी कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने लोग केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, त्रासदी हो गई, मर गए, इसमें उनने क्या पाप करा था? उनने तो अच्छा ही करा था ना। अरे भैया पुण्य करा, सब कुछ करा, पर प्रणत क्लेश है। किसी किसी के घर में सारा सुख होता है, पर जरा जरा सी बात में लड़ाई हो रही है तो वो प्रणत क्लेश है, प्रणत दोष। आप नहीं चाहते तो भी वो दोष आई जाता, आप नहीं चाहते तो भी तकलीफ आई जाती, प्रणत क्लेश, प्रणत दोष वो आ ही जाता। प्रणत क्लेश, प्रणत दोष आ ही जाएगा। कैसे? विभीषण के ऊपर भी वो दोष आ गया था। विभीषण ना तो, विभीषण ने भेद बताया था क्या अर्जुन के? तो बोलो नहीं, विभीषण भेद नहीं बता रहा है। विभीषण रावण की निंदा नहीं कर रहा है, विभीषण रावण के लिए आहित नहीं चाहता है, फिर भी वो दोष विभीषण के ऊपर आ गया, फिर भी वो दोष आ गया। और दोष आया, महाराज रावण ने बाण साधा और विभीषण की ओर छोड़ा, कहीं ये मेरा भेद ना बता दे, छोड़ा। और जैसे ही बाण गया, भगवान ने चुटकी बजाई और उस बाण को काट दिया, बिजली चमकी और समाप्त। और विभीषण खड़ा था राम जी के पास में। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विभीषण को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बाण आया और कब भगवान राम ने काट दिया, बस विभीषण तो राम जी के पास खड़ा था इसलिए उसको वो बाण नहीं लगा था। प्रणत दोष, प्रणत कलेश आता है, अनायास आता है, पर जो सत्संग में लगा होता है, विभीषण जैसे राम के पास थे तो बाण अपने आप कट गया था। दुख किसी किसी के पास अपने आप चल कर आता है, पर आप सत्संग में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है, भजन में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है, भगवान की भक्ति में लगे होते हो इसलिए वो अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय आता है कभी कभी, पर समाप्त हो जाता है, सम्मुख में आते आते समाप्त हो जाए। आप भगवान के करीब में हो तो ना जाने कितने दोष आपके भी कटते रहते हैं, ना जाने कितना। विभीषण ने बाद में पूछा राम जी से, प्रभु ये बताइए, राम जी ने पूछा क्या, ये बताओ मुझे कि ये बिजली काई की चमकी थी? भगवान बोले तुझे नहीं मालूम? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। और बाद में भगवान से विभीषण ने फिर पूछा, प्रभु वो बिजली क्यों चमकी थी? भगवान बोले रावण ने बाण छोड़ा था तुझे मारने के लिए, अभी तक तो निपट गया होता अगर मेरे पास में नहीं होता, तो मेरे पास में था इसलिए बच गया, अगर मुझसे परे चले जाता तो निपट जाता। आपसे भी निवेदन है, आप शंकर के पास में हो ना, इसलिए ना जाने कितने दुख आते इस जिंदगी में, पर शंकर जी चला रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, दो रोटी इस कोरोना महामारी के अंतर्गत दे रहा है, क्लेश मिटा रहा है, शिव प्रदान कर रहा है, दो रोटी मेरा शिव दे रहा है, सुख का जीवन वो दे रहा है। चढ़ा और धनेश्वर चढ़ा, फल लाया, बेटा हो गया, देवी प्रसाद नाम पड़ गया। नाम पढ़ने के बाद भी वो जब 16 वर्ष की आयु में आने का समय आया, उससे पहले वो संत की शरण में गया, गुरुदेव आप संभाल लीजिए, 16वें वर्ष में मेरा बेटा मर जाएगा, 16वां वर्ष पूर्ण होगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे, वो मर जाएगा। संत ने कहा इतनी सी बात का टेंशन लेकर बेटा है, बेटे से कह दे भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुख और क्या होगा, मरना ही तो है, प्राण छूटना ही तो है, जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है उसको क्या भजन करे, प्राण छूटना ही तो है, जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है तो उसको क्या भजन करे। मरने वाले के मुख से राम निकलना बहुत कठिन काम है, सबसे दुनिया का कठिन काम वही है कि मरने वाला राम राम कहेगा। कई लोग सोच के बैठे हम तो अभी नहीं जपेंगे, हम तो जब मरेंगे तभी जपेंगे, जप लेना। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, बस ये शरीर से जब प्राण निकलेंगे ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, न आँख से आंसू झड़ेगा, मुख से राल टपकेगी, देखा जाएगा नहीं, खटिया पर पड़े होंगे, परिवार वाले पहले ही जमीन पे सुला देंगे, गद्दा कौन फेंकेगा।
मरने वाला व्यक्ति मरता है तो उसका सब सामान, अरे बोलो तो जम के फेंक दिया, गादी चादर बोलते तो जाओ फेंक, तकिया की खोल जहां सोया था वहां गोबर से, जितना उसका सामान था जो पहना था सब फेंक दिया, सोने की चैन जो गले में पहना था फेंक दो। फिर तो बहुएं रोती रोती अंगूठी देख लो अंगूठी, बांधने से पहले देख लो अंगूठी वगैरह, देखा दादाजी एक अंगूठी और पहना मोटी वाली पर निकल नहीं रही, हाथ सूज गया। बहुएं रोती रोती बोली अंदर से चप्पू लिया, अरे वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी, अरे कपड़ा फेंक दोगे, तकिया फेंक दोगे, गद्दा फेंक दोगे तो फिर तन पे रखी हुई बस सोने की अंगूठी ने चैन भी फेंक दो, तो निशानी निशानी तो दादाजी के भी धल्ले, वो भी तो निशानी है। कितना कितना बड़ा बड़ा चोटा भरा है घर के अंदर देख लो रे, आज कथा में मालूम पड़ी है लुटेरों को, सारा भेरू घर के अंदर ही है सब चोटा, इतना बड़ा लुटेरा रात्रि के मरे तो रात्रि की नोच लेंगे सारा सामान सब सब। इसीलिए तुमसे निवेदन है जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं नहीं सब पहन लो दादा, अपन तो जोरदार जोरदार, और जितनी रकम घर में रखी नहीं कहीं मत पहन के जाओ, तो घर में तो पहन लो, घर में कपड़ा कर लीजिए घर में ही पहनो, पर पहनो अच्छा जोरदार बिंदा बिंदा लगा हिम्मत नहीं रखी, और देखो बाल में लच्छे हो तो खजूर वाली चोटी भी कर लो जोरदार अच्छा हो पहनो पहनो। मरने के बाद कौन तुम पहनाए सब निकाल के ले जाएंगे सब बड़े प्रेम से पहन ओढ़ लेंगे, बाद में ऊपर जाके दिल तुम्हारा दुखेगा नीले कलर की साड़ी तो पहनी नहीं थी, मन तुम्हारा दुखे तो अच्छा तुम तो पहनो ओढ़ो, क्या किसको रोइए चादर तान के आग लगे वस्ती में अपन रहो मस्ती में, भगवान की मस्ती में जितने मस्त रह सकते हो रहिए। फिर घर के लोग भी पूछेंगे कहाँ जा रही हो इतना पहन के, कहीं नहीं जाऊंगी, सियोर वाला महाराज बोला घर को स्वर्ग बना लो, कहीं मत जाओ यहीं जोरदार नुक्ति निपटाओ, पर अपने नहीं जाना कहीं कहीं नहीं जाऊंगा तो यहीं जाऊंगा, भजन करो स्मरण करो कीर्तन करो नाम जाप करो, कहाँ जाना 16 वर्ष की आयु में मरेगा, संत करे भजन करवा तो भजन करवा, तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में 16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा, तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ आप काशी घूमकर आ जाओ 2 साल के लिए, काशी हाँ। देवीदास को मामा ले गए काशी ले जा रहे थे, काशी ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा, उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, राजकुमारी का विवाह हो रहा था, तो राजकुमार को रात्रि को जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे, ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता, क्या करे, तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है रात भर ब्याह के लिए, इसको दूल्हा बना दो विदाई हमारा छोरा करा ले। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया तो इससे कहा दूल्हा तुम्हें, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें, मामा बोले बिठा तो दोगे परंतु एक बात याद रखो जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे, तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना, हाँ कन्या तुम्हारी दहेज हमारा ठीक है बात कर लो आपस में, बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया भावर पड़ी, जैसे ही भावर पड़ी लड़का लड़की को पूजन कराने के लिए जब कक्ष में लेकर गए सारे मेहमान जैसे ही बाहर गए तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया, लड़के को तो बुखार आ गया उसका शरीर कांप रहा, वो सवेरे विदाई कराने आएगा पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता इसलिए निवेदन करता हूँ तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया, और सत्य बताने का फल क्या है, दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है, सत्य थोड़ा परेशान करता है जिंदगी सुखमय बना देता है, जिंदगी सुख बता दिया, बात इतनी सी है ये हो गया, क्या करा जा महाराज। अब जिस कन्या से विवाह हुआ था वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी, आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था, कौन सा व्रत था, 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का,
उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया तो कहा ये मेरा पति है। कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और 1 रुमाल दे दिया, ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रख लो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ था। लड़का कहता मेरे साथ ही विवाह हुआ था, नहीं तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ। क्या प्रमाण है, प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवाकर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मंग रही होगी तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ हुआ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूं, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूं मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं, अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता है। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे, बेटा मामा के साथ काशी पहुँच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था, चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे। उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचल कर धक्का मार कर गया। मामा रोने लगा मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या। मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया। शंकर भगवान बोले काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था, पर मैंने नंदी को भेज कर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं गुरु जी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है। अरे भैया तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। कहीं थोड़ा सा पुण्य जब सामने आता है, थोड़ा सा पुण्य जब आड़े आता है, थोड़ा सा पुण्य सम्मुख में पहुंचता है, तो कहीं आना किसी को था। और कम दोष होगा तो मेंढक सामने आ जाएगा, चीटी आ गई, थोड़े पे निकालना चाहता है, दुख तो बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आने वाला है। पर कहीं शिव महापुराण की कथा सुन ली, कहीं शंकर का अनुमोदन कर लिया, कहीं शिव तत्व में डूब गए, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी है पूर्णिमा की कथा कि मरने वाले स्वामी शिव है, शंकर शिव, शिव के सिवा। पूर्णिमा शिव महापुराण कथा कह रही है साहब, आप शंकर का अनुमोदन करिए, शिव स्मरण करिए, शंकर की भक्ति में डूबे रहिए, शंकर के अनुमोदन में डूबे रहिए। कल सुबह से लेकर शाम तक कथा के क्रम में भी आनंद के साथ खीर महोत्सव मनाया जाएगा, शरद पूर्णिमा का बाबा का आनंद। जिन जिन ने जो जो सहयोग राशि खीर उत्सव में दी है, जो जो आपने भेंट पहुंचाई है, चाहे ऑनलाइन पहुंचाई हो, चाहे कार्यालय पर लिखाई हो, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि खीर महोत्सव के इस कुबेरेश्वर धाम में खुले मैदान में चंद्रदेव की साक्षी का आनंद लेते हुए सुबह से शाम तक जो खीर प्रसाद का वितरण होना है उसमें आपका जो सहयोग मिला है, आप बहुत प्रेम से आनंद से जो दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कुबेरेश्वर धाम की ये पावन धरा पर जो कुबेर बाबा का, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, मुरली मनोहर मंदिर बन रहा है, गौशाला वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो आप सहयोग राशि दिए हैं, बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी आपको खूब दे, आप दोनों हाथों से दान दिए, हजारों हाथों से मेरा भोलेनाथ दे और अपने जीवन को धन्य बनाए। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं, कल कथा में अग्रणी भाव बढ़ेंगे। शंकर और पार्वती का मंगल विवाह का प्रसंग शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव और पार्वती की आनंद सुख में समाहित होता है। शंकर पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अपन भगवान शिव और पार्वती का दर्शन करेंगे।